नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल टिनन टूरिज्म में। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आप लोगों के लिए, खासतौर पे आप लोगों की डिमांड को लेकर, जो कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे कई बार पूछा था कि रायबरेली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर जो अपडेट चल रहा है, यानी वहाँ पर कार्य काफ़ी तीव्र गति से खींचा जा रहा है, उसके बारे में अपडेट देने के लिए। तो आप लोगों की डिमांड पूरा करना हमारा लक्ष्य है, हम आप लोगों को अच्छे से समर्पित हैं आप लोगों के लिए जो डिमांड आपकी आएगी। इसके लिए हम आज पुनः आए हैं रायबरेली रेलवे स्टेशन पर, और जैसा कि आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारी ब्रिक रखी, यानी कि ईंटें रखी हैं, यहाँ पर कार काफ़ी तेज़ी से खींचा जा रहा है। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको रायबरेली रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार की संपूर्ण जानकारी देंगे, और हम आपको बता दें कि बहुत से अगर भाई बंधुओं को नहीं पता होगा रायबरेली रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लखनऊ वाराणसी या लखनऊ प्रतापगढ़ रेल मार्ग पर, और ख़ास तौर पे ये बहुत ही वीआईपी ही नहीं वीवीआईपी एरिया है। बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर रेलवे का कार्य चल रहा है, जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, और भी कई ऐसी यूट्यूब पे वीडियो हैं जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर आखिर क्या है कि इतनी दुर्दशा हो रही है रेलवे स्टेशन की, क्योंकि यहाँ वाकई सुविधाओं का अभाव था। किंतु अब समय आया और रायबरेली रेलवे स्टेशन एक बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन बनेगा। यहाँ पर पटरियों को पूरी तरीके से चेंज किया गया है, नई डाली गई हैं, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया है, ये सब आप इस वीडियो में देखिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि ये खाली मेरा ही नहीं, ये आप सबका चैनल है। आप सब कोई भी डिमांड हमसे कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आप सबकी डिमांड को पूरी करने की। और दोस्तों आशा करते हैं आप हमारी वीडियो को अवश्य पसंद करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि ये है रायबरेली रेलवे स्टेशन का कार्य चल रहा है, और यहाँ पर बगल में भोले बाबा का एक मंदिर है, जय भोले बाबा। और अब हम पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है कंक्रीटिंग का कार्य चल रहा है, यहाँ नए नए फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं, और ये पूरे प्लेटफॉर्म पर ही कार्य चल रहा है, जैसा कि इसकी जानकारी हम आपको दूसरी वीडियो में देंगे। और बाकी ये देखिए यहाँ भी दोस्तों सामने देखिए, ये एक आपको व्हीकल दिख रही है, और हम इसको ऊपर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये आपको ये व्हीकल है जो कि ओएचई के कार्य होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, और हम अभी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर, यहाँ पर कार्य मेन कार्य जो चल रहा है प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण। सामने आप देख रहे हैं ये देखिए पूरा ब्रिक वर्क रखा हुआ, यानी ईंटें रखी हुई हैं, और सामने जो आपने वहाँ स्ट्रक्चर देखा था और पानी की टंकी के बगल आपको स्ट्रक्चर दिखा, वो बन रहा है फुटओवर ब्रिज। और ये देखिए यहाँ पेड़ कटाई का कार्य चालू है, यानी जब आप पहले आते थे रायबरेली रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ दिखते थे, अब वो पेड़ नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ब्रिक वर्क हो रहा है, बाउंड्री वॉल बन रही है, इसी के बीच फिर सॉइल फिलिंग होगा, जेसीबी आपको दिख रही है। और दोस्तों ये जो पटरी बिछी हुई है इसको भी जो है नवीनीकरण हुआ है पटरी का, और बीच से जो जहाँ पे आप देख रहे हैं जेसीबी खड़ी है, यहाँ की पटरियाँ पूरी उखाड़ दी गई हैं, पटरियाँ नए सिरे से लगाई गई हैं, और साथ ही साथ और जो पटरियाँ आगे बिछ रही हैं वो नई पटरियाँ लगाई जाएंगी, क्योंकि ये जो पटरियाँ बिछी हुई थी ये लगभग लगभग दोस्तों 150 साल पुरानी, हम कह सकते हैं कि लाइनें जो है 150 साल के आसपास वो पुरानी लाइनें थी। और अब जैसे यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें चलनी हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलनी हैं, इसके लिए पूरी लाइन की पटरियाँ जो हैं वो चेंज की जा रही हैं, और इसमें 60 किलो का लोहा यूज़ हो रहा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो मैंने गाड़ी दिखाई थी आपको, टावर वैगन है वो, उसको भी हम कहीं ना कहीं मिलेगी तो आपको अवश्य दिखाएंगे उस पर क्या कार्य होता है। यहाँ आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 का लुक है, ये जहाँ ट्रेन खड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। ये देखिए ट्रेन की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और बगल प्लेटफॉर्म नंबर 3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पटरी बिछी है ये दोबारा बिछाई गई है, नई पटरियाँ हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बनने का कार्य काफ़ी मतलब ज़ोर शोर से है। और इस समय यहाँ पे ब्रिक वर्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है स्टेशन पर। साथ ही साथ हम आपको पूरा आपको लेके चलते हैं
यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 हो गया, इसके बाद जहाँ पे आपको ब्रिज मिलेगा, ओवर ब्रिज मिलेगा, फुट ओवर ब्रिज, वहाँ भी देखिए यहाँ पर मेटल पड़ा हुआ है वर्कर्स का। अब हम सीढ़ी के माध्यम से दोस्तों चल रहे हैं ऊपर और आपको लेके चलेंगे जहाँ पर इसका फैब्रिकेशन का कार्य चल रहा है। और उससे पहले हम आपको एक बार व्यू दिखा देना चाहते हैं पूरा, क्योंकि ऊपर से आपको पूरा का पूरा व्यू को एकदम दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की पटरी और प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ 4, 5 के बगल की पटरी, ये बीच में प्लेटफॉर्म बन रहा है। दोस्तों ये जो गाड़ी खड़ी है ये आइसोलेशन कोच है, इसके बारे में हम खास विशेषता है वो भी बताएंगे। देखिए यहाँ से भी आप देख लीजिए, यानी कि अमेठी और प्रतापगढ़ की तरफ जो रूट जाता है वहाँ भी पूरा यहाँ बीच से लाइनें उखाड़ दी गई हैं और यहाँ प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य चल रहा है। और दोस्तों प्लेटफॉर्म भी ये जो है 26-27 डब्बों के लंबाई का, यानी आधा किलोमीटर 600 मीटर के आसपास की रेंज का यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन रहा है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। और हमने आपको बताया कि उस गाड़ी की कुछ हम विशेषता बताते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जितने भी नए कोचेज़ बन रहे हैं वो सब सोलर बेस है, यानी कि उन कोचों पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। आपको यहाँ से मैं दिखाऊँ कि अब रेलवे में जो ट्रेन्स भी हैं उस तरफ भारतीय रेल ने काफ़ी ध्यान दिया है और सोलर सिस्टम, इसमें सोलर प्रणाली कार्यरत है। बहुत ही अच्छी बात है ये कि ईंधन की बचत होती है, बिजली खुद प्रोडक्ट करता है ये। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बना देंगे, इसका ईंधन प्रोडक्ट करने का क्या हिसाब है, कैसे रहता है। और फिलहाल तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं उस जगह जहाँ इनका फैब्रिकेशन यार्ड है वर्तमान में, और वहाँ आर ओ भी है, फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पे। तो देखिए हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर इनका चल रहा है पूरा का पूरा फैब्रिकेशन का कार्य, जो कि फैब्रिकेशन का मटेरियल, फैब्रिकेशन का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि फैब्रिकेशन मतलब जो इनका लोहा लगता है फैब्रिकेट करते हैं, खासतौर पे वहाँ कटिंग होता है, वेल्डिंग होता है। वैसे तो आप सब इस चीज़ से अवेयर है, लेकिन बहुत से कुछ भाई बंधु नए भी हो सकते हैं जिनको ये चीज़ पता ना हो, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। और यहाँ देखिए यहाँ से भी देख लीजिए दो लाइनें यहाँ पर निकली हुई है और यहाँ फाउंडेशन भी बने हुए हैं। ये वहाँ पे इनके कंक्रीट के स्लीपर रखे हुए हैं, फर्दर इनको अभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से जो है कार्य कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन जो है बने हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप ये जो कंक्रीट के फाउंडेशन है इसके ऊपर ये अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर खड़ा करेंगे। और यही मैं आपको बता रहा था कि ये है दोस्तों फैब्रिकेशन, फ़िलहाल इन्होंने यार्ड बना के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे फैब्रिकेट का कार्य चल रहा है। इसको भी मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। सामने आपको हाइड्रा खड़ा दिख रहा है जो कि मेटल लिफ्टिंग के लिए होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये गार्डर बन रहे हैं और इसके बीच में वर्कर्स कार्य कर रहे हैं। ये लगेंगे हमारे जो फुट ओवर ब्रिज बनेगा उसमें, काफ़ी हैवी इक्विपमेंट लगाना पड़ता है इनको, इसके लोहे वगैरह की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी लेनी पड़ती है क्योंकि इसी के ऊपर पूरा लोड रहता है। और यहाँ पर वर्कर्स द्वारा इसका कार्य जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने स्ट्रक्चर भी खड़ा है, उधर पानी की टंकी के बगल स्ट्रक्चर खड़ा है, सिर्फ ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर बांधना है जी और बीच में सपोर्ट देना है, उसके बाद फिर इस पर ढलाई होगी। और ये देखिए यहाँ पे दो पटरियाँ यहाँ पे बिछी हुई हैं, ये पटरी भी उखाड़ के बनाई गई हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं जहाँ ब्रिक हुआ है, ब्रिक वर्क है यानी ईंटे की दीवार है, उसके बगल पटरी आपको बिल्कुल नई दिख रही है, कंक्रीट स्लीपर से एकदम सफ़ेद चमक रहे हैं। तो इससे पहले यहाँ पे लोहे के स्लीपर लगे हुए थे जो कि काफ़ी पुराने थे। और हम चल रहे हैं अब ऊपर, अब हम आपको लेके चलेंगे दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का आगे का भाग जो कि जाता है अमेठी प्रतापगढ़ की ओर, क्योंकि वो भाग छूटा था, वहाँ भी कार्य चल रहा है, उसको भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। यहाँ ऊपर देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य तो इस लाइन पर कंप्लीट है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी यहाँ पर जो है चल रहा है, उसको हम दिखाएंगे आपको। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की अगर हम बात करें तो ये उसी तरीके से है जैसे पहले ही था, देख सकते हैं आप वही टूटा फूटा प्लेटफॉर्म, लेकिन तो आप घबराइए नहीं, भविष्य में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा ये, बहुत ही अच्छा स्टेशन बनेगा। और यहाँ देखिए ये लकड़ी यानी पेड़ काटने का कार्य चल रहा है
और पेड़ में देखिए मार्किंग भी की रहती है इनके इनके नंबर्स वगैरह लिखे रहते हैं, क्योंकि ये जितनी लकड़ियाँ होती हैं इसका हिसाब किताब भी होता है, हिसाब किताब रखा जाता है, ऐसे ही नहीं इसको फेंका जाता है या ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पे हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रायबरेली से, यानी जायस अमेठी की ओर, और यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आगे भी कार चल रहा है, और हम इसका भी आपको लुक चल के दिखाएंगे, यहाँ से आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, बाकी इसका भी हम आपको डिटेल दिखाने की दिखाएंगे कि क्या क्या अभी वहाँ पर कार चल रहा है। दोस्तों आप ये देख लीजिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बीच में अभी ये जो पटरियाँ हैं इनका मेंटेनेंस भी जो है हो चुका है, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जो पटरियाँ हैं यहाँ आप देखिए ये नई डाली गई है, और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं साफ साफ गिट्टियाँ जो है चमक रही हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि वर्कर्स द्वारा ये लेवल मशीन है, इनका लेवल लेती है, क्योंकि रेलवे में हर कार्य को बहुत ही सटीकता से किया जाता है। और इस तरफ आपने देखा कि वर्कर्स लोग कार्य कर रहे हैं, और वो देखिए यहाँ पे कई सारी व्हीकल्स हैं, ये देखिए यहाँ वर्कर्स द्वारा ये जो बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी उसमें नीचे जिसको हम कह सकते हैं कि नीचे अपना नींव भर रहे हैं, और पूरा ब्रिक ही ब्रिक रखा हुआ है। ख़ास तौर पे यहाँ सही मायने में हम देखें तो इस समय ब्रिक वर्क हो रहा है, और जब इसमें ब्रिक वर्क हो जाएगा यानी कि बाउंड्री वॉल बन जाएगी इनके मानक के अनुसार, तब तो इसमें सॉइल फिल करेंगे यानी मिट्टी फिल करेंगे, सैंड फिल करेंगे, जैसा कि हमने आपको प्रतापगढ़ की वीडियो में दिखाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सामने मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये रेड कलर का इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सामने से एक वैगन आ रही है यानी टावर वैगन आ रही है। हम खड़े हैं रायबरेली जंक्शन पर, और अगर आप देख रहे हैं तो सामने से टावर वैगन आ रही है। दोस्तों ये कार्य करती है जितना भी ओवरहेड की जो है OHE लाइनें होती हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि हम बोलते हैं उसको, जो आप देख रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य, इस पे जो कार्य किया जाता है वो इसी व्हीकल से कार्य किया जाता है। इस पे क्या क्या होता है, प्लेटफॉर्म भी होता है, हम आगे चलते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर एक आध व्हीकल्स नहीं है, यहाँ पर इस तरह की 3 से 4 व्हीकल्स चल रही हैं, हर एक पटरी पर अलग अलग व्हीकल्स हैं, क्योंकि कार्य यहाँ पर हर जगह चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, स्पेशल व्हीकल्स होती है इनके लिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या अन्य कुछ आपको डिमांड है, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हमने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है, हम आपकी हर डिमांड को पूरा करने की चेष्टा करते हैं, यही हमारा लक्ष्य है, और सटीक से सटीक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर ये नया पटरी बिछा है, नई लाइन बिछी है, रेलवे ट्रैक बिछा है, ये देख लीजिए। और अब हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और अभी हम खड़े हैं 1 और 2 के मध्य। दोस्तों हम खड़े आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जो कि पहले से चला रहा है, किंतु भविष्य में, निकटतम भविष्य में ये प्लेटफॉर्म बदल जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर टावर वैगन जो है, यानी कि जिसको एक डब्बे का आपको कोच दिख रहा है, ये दोनों तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दोनों जगह खड़ी हैं, और यहाँ पर कार चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम आपको इसमें कार भी दिखा देते हैं, कैसे ये कार होता है और क्या कार्य करते हैं। और इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का विस्तारीकरण किया जा रहा है, यानी उसको बनाया जा रहा है बीच की पटरियों को उखाड़ के, साथ ही साथ ओवर ब्रिज का, फुट ओवर ब्रिज का कार्य यहाँ चल रहा है। और ये देखिए ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, ऊपर जो वर्कर्स कार्य कर रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर आप देख रहे हैं जो ओवरहेड की लाइन है, इस लाइन का मेजरमेंट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कि ठोका ठाकी क्या है, ये हम बताते हैं आपको, ये लाइन का मेजरमेंट कर रहे हैं। और लाइन के बीच में आप ये खड़ी खड़ी लाइन देख रहे हैं,
इसको सही डायरेक्शन में यानी सही नाप पे एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इनकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखिए धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं वर्कर्स के हाथ में फीता है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो वर्कर्स के हाथ में फीता है और ये अपना मेजरमेंट करके इस लाइन को जो ऊपर डिवाइडर इनका सेपरेटर रहता है अगर हम बात बताएँ तो दोनों लाइन को आपस में ना मिलने के लिए ये लगा के रखते हैं तो उसको जो है टाइट करते हैं, उसकी दूरी को घटाते बढ़ाते हैं ताकि एक प्रॉपर मानक के अनुसार ये बन सके। और इस व्हीकल की विशेषता ये है कि ये व्हीकल के ऊपर देखिए आप प्लेटफॉर्म है और ये खुद ही जो है बिजली चलती है और बहुत ही ज़्यादा इनका रिस्की कार्य होता है। इसके लिए तो हम अपनी तरफ से जितने भी वर्कर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं। सबसे बड़ा सैल्यूट हमारा हमेशा भारतीय जवानों को रहा है जो बॉर्डर पे सेवा करते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के सभी वर्कर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों के लिए इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना रिस्की कार्य करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन कार्यों में। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं इस व्हीकल का जो फंक्शन है कि ऊपर की लाइन का ये मेजरमेंट भी कराती है, इसका देखरेख भी करती है, नापतौल भी कराती है। दोस्तों हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं आपको अगली जानकारी के हिसाब से। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।